तो वैसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे Redmi Note 8 Pro में Evolution X का जो Android 13 का बीटा अपडेट आया है उसे कैसे फ्लैश कर सकते हैं। और मतलब कुछ इश्यू है तो भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दोगे तो भाई उसका सलूशन मिल जाएगा। तो चलो गाइस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं पहले डाउनलोड लिंक दे देता हूँ ताकि इधर उधर ना देखना पड़े, तो चलो मैं डाउनलोड लिंक सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ वीडियो में। ओके गाइस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने बोला कि डाउनलोड लिंक पहले मैं दूंगा, तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा भाई Evolution X का जो Android 13 का जो रॉम है वो। तो भाई ये जो है मैंने ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप था वहां से मैंने इस रॉम को डाउनलोड किया था भाई, उसी का लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप गाइस इस वाले लिंक पे क्लिक कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले गूगल ड्राइव के पेज पे आ जाओगे। अब गाइस यहाँ पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आप डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइस दूसरा फाइल जो आपको चाहिए होगा भाई वो चाहिए होगा फर्मवेयर का फाइल, क्योंकि गाइस अगर आप वहाँ पे टेलीग्राम पे वाले पे पढ़ोगे तो भाई वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि फर्मवेयर जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप जो है फर्मवेयर, आपको ये वाला फाइल जो है फर्मवेयर प्लस BRP 3.1 को इसे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। गाइस हमें यहाँ डाउनलोड नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब गाइस तीसरा फाइल जो चाहिए होगा भाई वो चाहिए होगा अपने को रिकवरी फाइल। तो भाई कोई थीम येलो रिकवरी उन्होंने मॉडिफाई करा है, थीम डाला है और ये येलो कलर वाला रिकवरी है। और गाइस अगर आपको रेड रिकवरी चाहिए तो भाई वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक डाल दूंगा। भाई अगर आपको येलो वाला रिकवरी डाउनलोड करना है तो आप ये डाउनलोड कर लो, और अगर रेड वाला रिकवरी चाहिए तो भाई आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। भाई इस वीडियो में मैं येलो रिकवरी का यूज करूंगा, बाकी भाई मैं सारे वीडियोस में रेड वाला रिकवरी ही यूज करते आया हूँ, बट अब से मैं येलो रिकवरी यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं डाउनलोड इस पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो भाई ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना है। तो भाई ये चार फाइल जो है वो अपने को चाहिए होगा। तो भाई चलिए अब चलते हैं अपने फोन पे। ओके गाइस तो मैं अपने हूँ अभी हूँ अपने Redmi Note 8 Pro डिवाइस पे, और भाई अब बताता है अब चलते हैं कि भाई इस वीडियो को कौन कौन देख सकते हैं। तो मैं भाई यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं चल रहा हूँ अपने सेटिंग्स में, और यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो भाई यहाँ देख सकता हूँ कि मैं हूँ MIUI 12.5.5 पे। तो भाई ये देख लो कि अगर आप यहाँ पे 12.5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 किसी पे भी हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखो और आप Android 13 के जो बीटा बिल्ड है Evolution X के उस पे जा सकते हो। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं सारे स्टेप्स को। तो भाई सबसे पहले अपने क्या करना है कि भाई MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप कर देना है। तो जैसे ही आप टैप करोगे गाइस यहाँ पे यू आर नाउ डेवलपर लिख करके आ जाएगा। तो भाई मैंने अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लिया, तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे यू नो नीड यू आर डेवलपर लिख करके आ रहा था। तो भाई चलते हैं, अब आपको बैक ले लेना है, यहाँ पे 7 टाइम्स टैप करने के बाद बैक आ जाना है। और यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि एडिशनल सेटिंग्स करके आ रहा है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाई आपको सबसे पहले जो है आपका डिवाइस जो है वो अनलॉक होना चाहिए। तो भाई मेरा यहाँ डिवाइस अनलॉक है, अगर आपका भी डिवाइस अनलॉक है तो ही आप इस वीडियो को देखो, नहीं तो भाई मैं अनलॉक वाला जो प्रोसेस है वो उसका मैं ये उसका मतलब अनलॉक कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में ऊपर में दे दूंगा, आप देख लेना। तो भाई मेरा क्योंकि मेरा डिवाइस अनलॉक है तो जिसका इसका अनलॉक है भाई मैच कर पाएंगे। ओके अब स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज USB डीबगिंग जो है उसे भी आपको इनेबल कर लेना है। तो भाई मैंने अपने इनेबल कर रखा है तो आपको भी इनेबल यहाँ पे कर लेना है। तो गाइज ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है गाइज कि अपने जो कस्टम रोम है और जो फर्मवेयर है दोनों को ही अपने Redmi Note 8 Pro में कॉपी कर लेना है। तो करते हैं भाई उसको गाइस, तो मैं दिखा दूं कि भाई मैंने जो अपना कस्टम रोम है और जो फर्मवेयर है दोनों को ही कॉपी कर लिया है। तो भाई यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में चलता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरा कॉपी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे करूंगा और भाई यहाँ पे आप देख लो कि मेरा जो Evolution X का जो रोम था वो और फर्मवेयर दोनों ही मैंने कॉपी कर लिया है। तो भाई अपना जो है अब चलते हैं अपन अपने पीसी पे। अब हम आ चुके हैं गाइस अपने पीसी पे, और भाई यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको तीन फाइल चाहिए होगा। भाई पहला फाइल जो है वो चाहिए होगा Evolution X का जो रोम था वो, दूसरा फाइल चाहिए होगा गाइस आपको फर्मवेयर का, और गाइस तीसरा फाइल जो चाहिए होगा भाई वो चाहिए होगा TWRP रिकवरी। अब गाइस मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे येलो थीम वाला जो रिकवरी है वो यूज कर रहा हूँ, आप गाइस दूसरे थीम वाले रिकवरी भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो गाइस अपन अपने जो है ये दोनों फाइल जो है हमने कॉपी कर लिया है अपने डिवाइस में। अब गाइस तीसरा फाइल जो रिकवरी है TWRP इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आपको ऐसा फोल्डर बन करके आ जाएगा।
तो गाइस अब क्या करना है भाई, अपने फोन को पासवर्ड मोड में कनेक्टेड करके रखना है, और गाइस अब आपको चलना है इस फोल्डर में। तो जैसे आप गाइस इसमें आ जाओगे, मैं दिखाता हूँ। ओके तो गाइस जैसे आप इसमें आओगे, अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला फाइल जो है फ्लैश वीआरपी का, इसे आपको डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे गाइस, तो आपका जो रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में फ्लैश हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फोन पे, और भाई यहाँ देख लो कि भाई हमारा जो रिकवरी फाइल है वो फ्लैश हो चुका है। अब गाइस हम आ चुके हैं अपने रिकवरी में। अब गाइस अपने को क्या करना है भाई, कि हमने जो फाइल जो कॉपी करा था वो एक बार चेक कर लेना है कि नहीं। तो भाई यहाँ देख लो कि मेरा जो दोनों फाइल जो है वो पड़ा हुआ है। अब गाइस क्या करना है कि भाई यहाँ पे आ जाना है वाइप में, और यहाँ पे आपको एडवांस वाइप में आ जाना है, और यहाँ डेलविक सिस्टम वेंडर डेटा और कैच, ये पांचों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ओके गाइस, तो अब अपने क्या करना है भाई, माउंट कर लेना है अपने सिस्टम और वेंडर को, और क्योंकि एंड्रॉइड 13 फ्लैश कर रहे हैं इसलिए गाइस माउंट करना पड़ेगा सिस्टम वेंडर को। अब गाइस आ जाना है आपको इंस्टॉल में, और यूनिक्स का जो रॉम है और फर्मवेयर दोनों को ही एक सीक्वेंस में फॉलो फ्लैश करना है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, फर्मवेयर जो है उसे फ्लैश कर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एड मोर जिप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अब अपने रॉम को सेलेक्ट कर लेना है, और गाइस अब आपको सिंपली फ्लैश कर देना है। तो गाइस वेट करते हैं फ्लैश होने का। तो गाइस हमारा जो फर्मवेयर था फ्लैश हो चुका है। अब गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे रॉम जो है वो फ्लैश हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा कस्टम रॉम था जो इवोल्यूशन एक्स का, वो फ्लैश हो चुका है। अब गाइस अपने क्या करना भाई, होम बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ पे गाइस आपको वाइप पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट डेटा सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप YES टाइप कर देना है। तो गाइस जैसे आप YES टाइप करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये टिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो हमारा डेटा जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब गाइस अगर आपको अपने डिवाइस को रूट करना है, तो पहले आपको आ जाना है गाइस यहाँ पे एडवांस में, और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो इंस्टॉल मैजिस्क का ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट करके आपको फ्लैश कर देना है। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ये जो येलो रिकवरी है, इसमें आपको लेटेस्ट मैजिस्क का वर्जन देखने मिल जाता है। आप गाइस देख लो कि यहाँ पे 24.2 जो है वो मैजिस्क वर्जन देखने मिल रहा है। ओके गाइस, तो हमारा जो रूट है वो फ्लैश हो चुका है। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको फॉलो करना है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस डिसेबल फोर्स एनक्रिप्ट का ऑप्शन लिख करके आ रहा है, तो गाइस इसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर देना है। ओके गाइस, तो अब जो है वापस से आपको अपने वाइप पे आ जाना है, और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सेलेक्ट करके YES टाइप कर देना है, तो यहाँ पे आप ओके कर दो। ओके गाइस, तो अब वी आर गुड टू गो, और अब अपन जो है अपने इवोल्यूशन एक्स के एंड्रॉइड 13 बिल्ड में बूट अप हो सकते हैं। तो गाइस देखते हैं भाई कैसा रहता है बूट एनिमेशन, मेरा भी गाइस फर्स्ट लुक ही रहने वाला है ये। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो डिवाइस है वो आफ्टर 4 मिनट बूट अप हुआ है, और भाई यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं भाई, और चलिए चलते हैं गाइस अपने फर्स्ट लुक एंड्रॉइड 13 के पिक्स इवोल्यूशन एक्स रोम में। तो भाई यहाँ पे आप स्किप कर दो, आप यहाँ भी सेटअप ऑफलाइन कर लो, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे गाइस स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे यूजेस डायग्नोस्टिक और अलाउ स्कैनिंग दोनों को ही ऑफ कर देना है, और गाइस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। अब गाइस इसे भी स्किप करते हैं भाई, अपन बाद में सेट कर लेंगे। तो इसे भी गाइस स्किप कर देते हैं, और भाई अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड 13 के इवोल्यूशन एक्स बिल्ड में। तो भाई यहाँ देख लो कि ऐप आइकन का जो साइज है भाई वो थोड़ा बड़ा ही यहाँ शो हो रहा है, बाकी गाइस यूआई जो है वो काफ़ी स्मूथ है। ओके, यहाँ पे तो भाई मुझे यूआई काफ़ी स्मूथ लग रहा है। ओके ठीक है भाई, फर्स्ट रिव्यू तो फर्स्ट। ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फंसा, बट गाइस अभी सही हो गया है। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे एक बग, मुझे दो बग यहाँ देखने ये मिल रहा है कि भाई पहला तो ये आइकन साइज जो है वो काफी बड़ा है, ऑल दो गाइस आप इसे जो है मॉडिफाई कर सकते हो, आइकन साइज छोटा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और भाई दूसरा इशू जो आपको देखने मिलेगा वो जब आप नोटिफिकेशन स्क्रॉल डाउन करोगे, तो भाई वो स्मूथनेस उतना नहीं मिलेगा, मतलब स्मूथनेस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द इसका जो ओल्ड वर्जन था उसमें आपको काफी स्मूथ मिल जा रहा था, ये नोटिफिकेशन वाला जो है इसमें थोड़ा बहुत आपको लैग देखने मिल सकता है। और गाइज यहाँ पे आपको नए नए ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐसे क्यूआर कोड स्कैनिंग वगैरह हो गया, तो गाइज चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे आपको जो है MIUI का स्टॉक कैमरा भी नहीं मिलेगा,
तो भाई वो पहले ही बता दो, देख लो भाई यहाँ पे ANX कैमरा नहीं है। और गाइस दूसरा बात मैं आपको दिखा दूँ कि भाई ये वोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड 13 ही है, तो स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 और यहाँ पे 7.1 वर्जन है शो कर रहा है इवोल्यूशन एक्स का, और यहाँ पे क्वांटम कर्नल बाय डिफॉल्ट आया है। चलिए गाइज ये था इस वीडियो में, और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि गाइज लाइक कर दो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और गाइज अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, चेक कर लो, ज्वाइन कर लो, कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार अगर कुछ भी सिंपल से डाउट है तो, कोई इशू नहीं है। तो चलो गाइज टिल देन टेक केयर।